कार्यों के लिए। और राजस्थान में इस वक्त मंत्रिमंडल को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है। नए विधायक मंत्री बनने के लिए उत्साहित हैं तो पुरानों के पसीने भी छूट रहे हैं। दो दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, ये बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। अब राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात हुई, चर्चाएं हुई। राजस्थान मंत्रिमंडल पर फाइनल मुहर भी लग चुकी है, ये भी कहा जा रहा है, अब बस ऐलान बाकी है। सूत्रों की माने तो राजस्थान में रविवार तक मंत्री शपथ भी ले सकते हैं। 17 से 23 नामों को लेकर सहमति बन चुकी है, ये भी बताया जा रहा है। युवा और नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है इस बार मंत्रिमंडल में। महिला और दलित चेहरों को भी जगह मिलने की संभावनाएं हैं, तो सोशल इंजीनियरिंग पर खासा फोकस और जोर रह सकता है। ज्यादातर जातियों को प्रतिनिधित्व मिलने की भी उम्मीद है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए नाम फाइनल होंगे। अब जल्द ही मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो सकता है, जिसमें बाबा बालकनाथ, अनिता भदेल, किरोड़ी लाल मीणा, दीप्ति माहेश्वरी, मदन दिलावर, सुमित गोदारा, सिद्दीक कुमारी, संदीप शर्मा, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, जोगेश्वर गर्ग, गजेंद्र सिंह खिवसर, ये वो नाम है जिनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। ये वो नाम है जो चर्चाओं में चल रहे हैं, जो रेस में आगे हैं। फिलहाल अब शपथ ग्रहण के दिन का इंतजार करना होगा, क्योंकि माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जब दोनों डिप्टी सीएम के साथ दिल्ली पहुंचे थे, शीर्ष नेतृत्व से उनकी मुलाकात हुई थी, उसी दौरान नाम फाइनल कर लिया गया था। यानी कि अब लिफाफे में वो नाम कैद हो चुके हैं और सभी विधायकों के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि पहली बार विधायक बनने के बाद भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बन गए। ऐसे में अब हर विधायक को ये उम्मीद है कि वो भी मंत्री बन सकते हैं। अब देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा कि कौन से विधायक को कौन से मंत्री की जिम्मेदारी दी जा सकती है, कौन कौन रेस में अभी तो फिलहाल आगे चल रहे हैं, इसका नाम लगातार आपको बता ही रहे हैं, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि कुछ चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं। यही वजह है कि सभी को अब इंतजार है और अब इंतजार की घड़ियां भी खत्म ही होने वाली हैं। अब सिर्फ शपथ ग्रहण के दिन का इंतजार है, अब बहुत ज्यादा वेट नहीं करना है।